हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा एक दूसरा चैनल स्टार्ट हो गया है, शिखा बायोलॉजी क्लासेस, तो वहाँ पर मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। और ये मेरा सस्टेनेबल फैशन का एक ब्लॉग वीडियो है, जिससे मैं आपको यहाँ पर एक नेचर से इंटरेक्ट कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो माय नेम इज़ शिखा श्रीवास्तव, और अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया शिखा बायोलॉजी क्लासेस को, तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस सस्टेनेबल फैशन को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको अमेजिंग वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए आज की वीडियो को हम देखते हैं कि आज मैंने क्या आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये आसमान है और यहाँ पर आपको बादल साफ दिखाई दे रहे हैं। इसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरी तरह से कैप्चर कर सकूँ, क्योंकि यहाँ का मौसम और दूसरे दिनों से अच्छा है। आज अच्छी हवा चल रही है। मैं झंडे को दिखा रही हूँ, आप झंडे को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो आसपास बिल्डिंग बनी हुई है, मतलब आसपास मेरे मकान ऊपर तक बने हुए हैं, इसलिए शायद मैं इस नेचर को इस व्लॉग में मैं कैप्चर ना कर पाऊँ। तो क्योंकि बिल्डिंग्स की वजह से हम पूरी तरह से नेचर को कैप्चर नहीं कर पाते, इसलिए हम नीचे आ जाते हैं जहाँ ये मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। ये मेरे छत का सीन है, जी हाँ, मैं अपनी छत पर खड़े होके इसे शूट कर रही हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं अमरूद का पेड़, कितना लंबा हो गया है, इसे मैंने खुद नहीं लगाया है, और इसे ये अपने आप ही गमले में निकला है, अपने आप ही इसने अपने आप को ग्रोथ दी है। इसे ना ही लगाया गया है, ना ही इसे ग्रोथ दी गई है। हाँ, इसमें पानी खाद दी गई है, पर ये अपने आप आया है। ये देख लीजिए, ये गुलाब का पेड़ है। यहाँ सब मैंने अपने हाथों से ही सबको अच्छे से प्रिपेयर करके लगाया है। ये आपका जो है, ये पिंक गुलाब है। पास से दिखा देती हूँ, शायद आप पास से देख पा रहे हो। और ये मेरा वाइट गुलाब वाला पौधा है, कहाँ गया, ये रहा, ये देखिए, ये वाइट गुलाब है। गुलाब तो यहाँ बहुत लगे हैं, बाकी और पौधे भी हमने लगा रखे हैं। फंस गया ये सब मैंने अपने, देखिए ये फंस गया है, मैं इसे छुड़ा रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। और कहाँ से फंस गया, निकल आया। और मैं आपको यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर नेचर इतनी अच्छी हो गई है, मतलब मौसम इतना अच्छा है कि हर एक प्लांट खुशी से झूम रहा है। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि बहुत धूप हो रही थी, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, जिसकी वजह से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा इस मौसम को हम अपने इस ब्लॉग में कैप्चर करें और आपको दिखाएं कि आज का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है, और इसकी वजह से ये जो नेचर से जुड़े ये जो आपके प्लांट्स जो आपके घर में लगे होते हैं, जो आपके गार्डन में लगे होते हैं, आप वो सब आज की मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं। देख लीजिए, इनकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि ये कितने खुश हैं। देखिए, मैं नेचर की बात कर रही हूँ। नेचर जो होता है ये हमारे साथ जुड़ा हुआ रहता है, हर एक ह्यूमन बींग्स को इसका ख्याल रखना चाहिए। और यह पेड़ पौधे जो आप देख रहे हैं, जिसे मैं अपने फ़ोन में कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये इन सब की देखभाल नेचर से ही जुड़ी है। अगर आप नेचर की देखभाल करेंगे तो जाहिर सी बात है प्लांट हो गए, आपके रिवर्स हो गए, आपके और जो सोर्स होते हैं नेचर से जुड़े हुए, आपके स्टोन हो गए, आपके और फूड फील्ड्स हो गई, जिसे हम खेत कहते हैं, अगर आप इन सब की केयर करेंगे ना, तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार देंगे। क्योंकि नेचर हमें सिर्फ देती ही है, हमसे लेती कुछ नहीं है। तो अगर इसके बदले में थोड़ा सा प्यार हमसे चाहती है, केयर चाहती है, तो हमें उसे देना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जितनी भी मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ, ये सब नेचर हैं। इज डिनोट बाई नेचर, नेचर को ही डिनोट करते हैं। आप मौसम देखिए, कभी मौसम एक जैसा नहीं रहता है, कभी बारिश होने लगती है, कभी ज़्यादा गर्मी होने लगती है, ज़्यादा धूप होने लगती है, और इसकी वजह से मौसम थोड़ा सा शुष्क भी हो जाता है, थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है। लेकिन आज का मौसम जो सुबह के समय है, यह बहुत ठंडा है, और मैं अपने से छत पर शूट कर रही हूँ। देखिए, हल्की हल्की धूप आने लगी है बिल्डिंग पर, देखिए हल्की हल्की सी, हो सकता हो ये थोड़ी देर बाद धूप निकल आए, गर्मी का समय चल रहा है।
तो इस गर्मी के मौसम की में इस तरह के मौसम बहुत कम देखने को मिलते हैं कि अगर बारिश अगले व्लॉग में मैं बारिश को भी शूट करूँगी, क्योंकि अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो इस समय नहीं हो रही है, बिल्कुल सूख गई है मेरी छत। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लीज़ नेचर से जुड़िए, अपने घर में, अपने आसपास, अपने फील्ड्स में, हर जगह पेड़ को, पौधों को लगाइए, ताकि मिट्टी का कटाव कम हो सके। और मिट्टी का जब कटाव कम होगा तो वो पेड़ों की जड़ों में बैठेंगी और हम पानी को भी नीचे पृथ्वी में बचा पाएंगे, क्योंकि पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी नहीं बचाएंगे ना, तो ना पानी बचाने की वजह से भी आपको बहुत सारी समस्या हो सकती है। इसलिए आप नेचर से जुड़िए, अच्छे सोर्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कर सकते हैं, भगवान ने आपको संपन्न किया है, तो आप नेचर को ठीक करने में अगर आप अपना योगदान दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो छोटे छोटे सोर्स ही आप कर सकते हैं। जैसे आप हर जगह फील्ड्स में, अपने घर में, हर जगह पेड़ को लगाइए, पौधों को लगाइए, और इन्हें एक ऐसे इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है, एक ऐसे प्यार की ज़रूरत होती है कि ये ग्रो जब करते हैं तो ये आपको सब कुछ दे के ही जाते हैं। ये आगे है, मैंने बहुत सारे अपने घर में प्लांट लगाए हुए हैं, क्योंकि मुझे प्लांट लगाना और इनकी केयर करना अच्छा लगता है। ये एलोवेरा है और इसमें देखिए घुइया के पत्ते निकले हुए हैं, पीछे भी निकले हुए थे दो, शायद आपने देखा हो वीडियो में। तो मैंने अपने से घर में ही लगा रखा है। मैं जो आपके साथ, ये हिबिस्कस है, ये वाला प्लांट हिबिस्कस का है, इसको मैंने कई गमलों में लगाया हुआ है। एक ये हो गया, एक ये वाला है, ये भी हिबिस्कस ही है, जिसे हम गुड़हल कहते हैं, और मैं आपको दिखा दूँ, ये भी हिबिस्कस ही है। देखिए ये बहुत बड़ा पेड़ था ना, तो इसको मैंने अलग अलग गमलों में इसलिए लगा दिया कि ये सेपरेटली अलग अलग अगर लगे रहेंगे। ये भी हिबिस्कस ही है, ये तो बहुत लंबा है, ये नीचे तक आया है। गमले में मैंने इसे लगाया है, दो गमले यही हो गए, दो गमले वहाँ, चार ये हो गए, एक ये हो गया, पांच। तो इसे अलग अलग लगाना पड़ा क्योंकि ये बहुत बड़ा हो रहा था। और एक जगह ये किसी फील्ड में ही ग्रो कर पाते, इसलिए मैंने इसे अलग अलग लगा दिया। बाकी सब गुलाब के हैं, गुलाब में भी कई तरह के हैं, वाइट है, रेड है, पिंक है। एक ऐसा गुलाब है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये वाला, इसमें देखिए हल्का सा एक फूल दिख रहा होगा आपको। ये पहले हल्का हल्का पिंक रहता है, फिर धीरे धीरे येलो हो जाता है, येलो के बाद रेड होता है, उसके बाद वाइट हो जाता है, इस समय वाइट है। तो ये वाला, जब कभी इसमें फूल फ्लावर्स निकलने लगेंगे तो मैं आपको इसमें ज़रूर दिखाऊंगी दूसरे ब्लॉग में। तो ये वीडियो बनाने का बस मेरा एक मकसद ये था कि प्लीज़ आप नेचर से जुड़िए, नेचर की कदर कीजिए और उसकी केयर कीजिए, उसे प्यार दीजिए। जितना आप उसे प्यार और केयर देंगे, उतना ही ज़्यादा ये आपसे जुड़ेंगी, आप खुद इनसे कनेक्शन फील करेंगे। जब कनेक्ट होंगे तो कनेक्शन फील करेंगे और ये आपको और ज़्यादा प्यार देंगी। इस समय बहुत प्यारी हवा चल रही है। अब हवा का तो मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपको पौधों के माध्यम से दिखा रही हूँ कि हवा कितनी तेज़ चल रही है छत पर, मेरी छत पर। तो ये सब बहुत खुश हैं, सोच रहे थे पानी बरसेगा अभी। आप तो सोच रहे होंगे कि ये तो ये ऐसे बात कर रही है जैसे कोई सजीव हो। ये वाकई सजीव हैं, प्लांट सजीव अगर नहीं होंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये खाली लगता है कि सिर्फ बस पौधे हैं, ग्रीनरी है, इट्स नॉट अ शो ऑफ ग्रीनरी, शो ऑफ रिप्रेजेंटेट ऑफ नेचर। ये नेचर को प्रदर्शित करते हैं, जिस नेचर में हम फूड लेते हैं, पानी लेते हैं, ठीक है, ये सब नेचर ही है। मैं आपको नेचर दिखा रही हूँ। तो अब देखिए धूप आने लगी है, शायद आपको दिख रहा हो, क्लियर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ उस व्लॉग में। अब शायद धूप हो जाए, लेकिन हवा वैसे ही चल रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हवा बहुत अच्छी चल रही है। थोड़ी देर में यहाँ पानी भी बरस रहा था, लेकिन अब पानी नहीं बरस रहा है, बेचारे सब उदास हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम अगली बार में पानी को दिखाएंगे कि कितना खुश हो जाते हैं ये नेचर से पानी पा के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे सस्टेनेबल फैशन को
चैनल को और मेरे शिखा बायोलॉजी क्लासेस दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़िए ताकि मैं आपको नई नई चीज़ों से इंटरेक्ट करा सकूं। जिन्हें नहीं पता है कम से कम एटलीस्ट उन्हें पता तो चले कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा नेचर क्या, हमारी संस्कृति क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तो कुछ यहाँ दिखाने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब चारों तरफ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो इतना मैं नेचर को कैप्चर नहीं कर पाऊंगी। अगर यही खेत में होते या कोई गांव के एरिया में होते तो आप उसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते। आई होप इसे आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।